बुक में कैसे सॉल्व किया है, ऑल्टरनेटिव मेथड देख लो। ये जो बुक में सॉल्व किया मैंने, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सॉल्व कर दिया। बुक में सॉल्व क्या किया है देख लो, ए दे रखा है 843। अच्छा, अगर कोई बच्चा ये सोच रहा होगा ना कि सर पता नहीं ये क्या कर रहे हैं, ये बेसिक क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहे हैं, तो उसके लिए बेनिफिट है ना ये बेटा, ये ऑफलाइन क्लास थोड़े ना है कि तुम्हें जबरदस्ती सुनना ही सुनना है। तुम उसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, जो तुम्हारे काम का चीज़ है वो पढ़ लो, जो तुम्हें आता है उसे छोड़ दो। हमारा मेन टारगेट क्या होना चाहिए, टाइम सेव करना है और ज़्यादा सीखना है, तो तुम उसको छोड़ दो। अगर तुम्हें लगता है कि कम टाइम में सुन ही लेते हैं तो सुन लो, कैसी तुम्हारी मर्जी। हमें एक्स मैट्रिक्स निकालना है और गिवन क्या है कि 2a प्लस 3x इज इक्वल टू b मैट्रिक्स, ये मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ। तो अब देखो क्या किया, जैसे हम लोग रियल नंबर में होता है ना कि कोई वेरिएबल है या कोई नंबर है उसको लेफ्ट से राइट में ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है, तो यहाँ भी वही चीज़ होगा, ठीक है ना। बट ऐसा नहीं होगा, जैसे एक बात तुम यहाँ ध्यान रखो, अगर ए बी मैट्रिक्स सी मैट्रिक्स के इक्वल दे रखा है, ध्यान से सुनो, तो ऐसा नहीं होगा कि बी इज इक्वल टू सी अपॉन ए मैट्रिक्स, ये बिल्कुल गलत है। मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल नहीं है, बात समझ रहे हो ना। बट अगर ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी मैट्रिक्स, तो फिर ये सही लिखा हुआ है, ए बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी बाई टू मैट्रिक्स, ये सही लिखा है, ठीक है। c बाई टू क्या है, 1 बाई टू इंटू सी मैट्रिक्स, इसका मतलब कि हमने c मैट्रिक्स को एक हाफ स्केलर से मल्टीप्लाई किया, ये सही लिखा है, बट ये गलत लिखा है, इसको समझ में आना चाहिए। मैट्रिक्स को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखना। अब यहाँ आ जाओ, हमें x मैट्रिक्स निकालना है, तो x मैट्रिक्स के लिए क्या करेंगे, एक तो तुम ऐसे देख लो कि मैंने दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, माइनस टू ए मैट्रिक्स ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस टू ए मैट्रिक्स प्लस टू ए प्लस थ्री एक्स मैट्रिक्स इज इक्वल टू बी माइनस टू ए मैट्रिक्स। ये समझाने के लिए कर रहा हूं, ऐसे क्वेश्चन में नहीं करना है। तो अब देखो क्या हो जाएगा, अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है तो अगर दोनों साइड माइनस टू ए मैट्रिक्स ऐड करेंगे तो वो भी इक्वल होगा, तो ये वाला चीज है ना ये नल हो जाएगा। बताया ना मैंने, ए मैट्रिक्स प्लस माइनस ए मैट्रिक्स इज अ नल मैट्रिक्स, तो ये नल मैट्रिक्स हो गया। तो जीरो प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, बी माइनस, सॉरी ये जीरो नहीं, ये नल मैट्रिक्स ओ है। तो नल मैट्रिक्स में अगर मैं थ्री एक्स मैट्रिक्स ऐड करूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो थ्री एक्स मैट्रिक्स ही रह जाएगा, ये क्या हो जाएगा, बी माइनस टू ए मैट्रिक्स, ठीक है ना। तो अब ये थ्री स्केलर मल्टीप्लाई है, ऐसा नहीं कर देना कि थ्री यहां रहने देना, एक्स को ले जाके डिवाइड कर देना, गलत हो जाएगा। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 बाई थ्री बी माइनस टू ए मैट्रिक्स, सीधे आ गया। अब कुछ नहीं करना, हमें वैल्यू प्लग करना है, 1 बाई थ्री रखा, अब b मैट्रिक्स रखा, एक फाइनल हमने ये ब्रैकेट डाला, कर्ली ब्रैकेट, ये मैट्रिक्स का ब्रैकेट नहीं है, एक b मैट्रिक्स लिखा। b मैट्रिक्स क्या है, 2 4 माइनस 5 माइनस 2 2 2 1, मैंने बताया है कि ऐसे स्मॉल ब्रैकेट को भी इनलार्ज करते हैं तो वो मैट्रिक्स का ही रिप्रेजेंटेशन है। ए मैट्रिक्स क्या है, 8 4 3 0 माइनस 2 6, ऐसे लिख लिया, ऐसे कर लिया, तो ये फाइनल एक्स मैट्रिक्स आ गया। अब बस कुछ नहीं है, इसको तुम बस सिंप्लीफाई कर लो, ये कर्ली ब्रैकेट मैट्रिक्स वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, चलो 2 माइनस 2 4 2 माइनस 5 1, और ये माइनस टू को अंदर कर दिया तो प्लस क्या हो जाएगा, ये माइनस 16 0 माइनस 8 4 माइनस 6 माइनस 12, ऐसे हो गया। अब इसको मैंने हाफ 1 बाई 3 लिखा, इसको ऐड कर दिया तो एक मैट्रिक्स आ जाएगा क्या, 2 माइनस 16 2 माइनस 16 इज माइनस 14, और ये माइनस 2 प्लस 0 कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड कर रहा हूँ तो ये हो गया माइनस 2, 4 माइनस 8 इज माइनस 4, 4 प्लस 2 6, माइनस 5 माइनस 6 माइनस 11, 1 माइनस 12 माइनस 11, ये मैट्रिक्स आ गया। और सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो इसे अंदर कर दो, माइनस 14 बाई 3 माइनस 2 बाई 3 माइनस 4 बाई 3 6 बाई 3 2, और फिर ये माइनस 11 बाई 3 एंड माइनस 11 बाई 3, ये पूरा एक मैट्रिक्स हमारा ऐसे बन गया, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल एक्स मैट्रिक्स आ गया ये, ठीक है। तो तुम अगर ऐसे देखोगे तो यहां भी आ जाएगा, तो इसको तुम समझ सकते हो, क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना।
तो यहाँ पे देख लेना, कुछ अगर कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है मुझसे तो उसको तुम एक बार देख लेना, कहीं शायद मुझे लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया है। आई थिंक बी माइनस टू ए बाई, अच्छा 5b, अच्छा सॉरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुआ है एक्चुअली, सॉरी यहाँ पे ये 5 है ठीक है ना। तो बच्चे बोलेंगे कि ये 5 है, तो अब दोबारा वीडियो बनाने से अच्छा है कि आप ये समझ जाओ ये 5 है, ये 5 है, ये 5 है, ये तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ भी 5 होगा। तो इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 2 10, 10 - 16 -6। तो इसको मैं यहाँ कट करता हूँ ठीक है, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी x इज इक्वल टू 1/3। ये क्या हो जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स, देखो बच्चे ये 10 - 10 20, 10 - 25 5, प्लस -16 0, -8 4, -6 -12, ये मैट्रिक्स बन गया। तो x ये हो गया 1/3, और इसे हम लोग बस कर लेते हैं 10 - 16 -6 -10 + 0 -10, 20 - 8 इज 12, 10 + 4 इज 14, -25 -6 -31, 5 - 12 -7। इस 3 को अंदर ले जाना चाहते हो तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा -10/3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14/3, ये -31/3, -7/3। ये हमारा एक 3/2 ऑर्डर का फाइनल मैट्रिक्स आ गया, जो कि हमारा एक्स मैट्रिक्स है। और लिखना चाहते हो तो ऐसे -2 -10/3, 4 14/3, -31/3, -7/3, ये हमारा आंसर हो गया ठीक है। यहाँ तक ये क्लियर है, तो अब इस टाइप के क्वेश्चन तुम खुद से सॉल्व कर सकते हो।